आज की चर्चा का विषय है सर्दियों में त्वचा की देखभाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में त्वचा की मुलायम और चिकना बना रखने के लिए अपन क्या करें, एड़ियां फटें तो क्या करें और कौन से मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग करें। सर्दियों में अपनी त्वचा सूख जाती है और खुदरी हो जाती है और एड़ियां फटने लगती है। देखिए, त्वचा को मुलायम, चिकनी और लचीली बनाए रखने के लिए नेचर ने हमें दो चीजें प्रदान की हैं। एक है त्वचा में नमी और दूसरी है त्वचा के अंदर चिकनाई। त्वचा में नमी आती है अपने शरीर में मौजूद पानी से, और अपने शरीर में जितना कुल पानी होता है उसका 20% भाग अपनी त्वचा में होता है। तो अगर त्वचा में पानी की कमी हो जाएगी, यानी नमी की कमी हो जाएगी, तो अपनी त्वचा सूख जाएगी और खुरदरी हो जाएगी और उसका लचीलापन भी कम हो जाएगा, जैसा कि गर्मियों में कभी कदाप हो जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन में होता है। सर्दियों में हवा ठंडी होती है और सूखी होती है, तो उससे त्वचा सूख जाती है। अच्छा, त्वचा में चिकनाई जो आती है वो इसकी सबसे ऊपर वाली परत के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेरामाइड्स, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल, उनके कारण से होती है। ये पदार्थ न केवल त्वचा को चिकनाई प्रदान करते हैं बल्कि उसके जो पानी होता है उसको भी उड़ने से रोकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ जैसे साबुन है, गर्म पानी है, अल्कोहल है, इनका हम प्रयोग करेंगे तो त्वचा की चिकनाई को हटा देंगे ये, और उससे त्वचा खुरदरी और सूखी हो जाएगी। सर्दियों में अपनी त्वचा को चिकनी बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो नहाने के पानी में अपने को ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो भी ज़्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए, और दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी चिकनाई को हटा देता है। दूसरा, हमें किसी भी ऐसे साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके अंदर क्षार की मात्रा यानी अल्कली ज़्यादा हो, उसकी बजाय हमें सॉफ्ट सोप या जिनको न्यूट्रल सोप्स कहते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार स्विमिंग पूल में हमें ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी जो है उसके अंदर क्लोरीन होती है और क्लोरीन त्वचा को नुकसान करेगी। बर्तन साफ करने के लिए या कपड़े धोने के लिए अपने को ग्लोव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी का संपर्क अगर त्वचा पर रहेगा तो उसको सूखा कर देगा। और आजकल कोरोना काल में अपन लोग हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, और ये अल्कोहल जो है अपनी त्वचा को सुखा देता है, इसलिए जरूरत से ज़्यादा अपने को हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्दियों में हीटर और एसी का प्रयोग अक्सर किया जाता है, गर्म एसी का, क्योंकि इनसे जो गर्म हवा निकलती है वो त्वचा को सुखा देगी, तो इसलिए इससे बचने के लिए अपने को इनके साथ साथ ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करना चाहिए। तो सर्दियों में त्वचा को मुलायम और चिकनी बनाए रखने के लिए अपने को दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी अगर नहाने के तुरंत बाद अपन मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब कुछ एड़ियों की बात करते हैं। सर्दियों में एड़ियों के फटने का कारण होता है कि सर्दियों की जो ठंडी हवा होती है और जो सूखी हवा होती है वो एड़ियों की स्किन को सुखा देती है, और फिर अपने पूरे शरीर का वजन जो इनके ऊपर पड़ता है तो उससे वो क्रैक हो जाती हैं और उसमें पेन डेवलप हो जाता है, और ये इसलिए मोटे लोगों को ये समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है। अब फटी हुई एड़ियों की कैसे केयर करें अपन? तो पहले तो ये कि अपने घर में कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, पैर में हमेशा चप्पल होनी चाहिए, और जब बाहर जाएं तो सैंडल या चप्पल के बजाय बंद जूते पहनने चाहिए। अब जो फटी हुई एड़ियाँ हैं उनकी केयर के लिए अपने को उनको गुनगुने पानी में 15-20 मिनट तक भिगो देना चाहिए, और फिर स्क्रबर से जो मोटी और हार्ड स्किन है उसको निकाल लेना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक कोई थिक मॉइस्चराइजर लगाएं, जैसे कि पेट्रोलियम जेली, जिसे आमतौर पर वैसलीन कहते हैं, उसको रात को ऊपर लगा लें, और उसके ऊपर मोजे पहन के अगर सो जाएं तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर्स की। देखिए, मॉइस्चराइजर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो दो त्वचा के ऊपर एक चिकनाई की परत जमा कर देते हैं और जिससे वो पानी को उड़ने नहीं देते और जैसे नमी बनी रहती है, तो ऐसे मॉइस्चराइजर्स को अपन कहते हैं ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स, और उनके उदाहरण है पेट्रोलियम जेली, मिनरल ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल्स। दूसरे मॉइस्चराइजर्स वो होते हैं कि जो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, जो वातावरण पानी है उसको खींच लेंगे, और इसके साथ ही जो त्वचा की अंदर की परतों का पानी है उनको भी खींच लेंगे, तो इनको कहते हैं ह्यूमेक्टेंट्स, और इनके उदाहरण है ग्लिसरिन, यूरिया, ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अपन कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करें, लेकिन मॉइस्चराइजर लगाने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि उस कारण का निवारण करें जिसके कारण से त्वचा सूख रही हो। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम ज़्यादा गर्म पानी से नहाना जारी रखेंगे तो कितने भी मॉइस्चराइजर लगा लें उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी तरह से अगर घर में अपन चप्पल नहीं पहनेंगे या बाहर जूते नहीं पहनेंगे तो एड़ियाँ फटती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी कितने भी अपन मॉइस्चराइजर्स लगा लें।
अब मॉइस्चराइजर्स की चॉइस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के घर में भी हैं और बाहर बाजार के अंदर भी हैं। तो अपने घरों में कई प्रकार के मॉइस्चराइजर होते हैं, वो खाने के तेल होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, तिल्ली का तेल है, नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे तेल अच्छे होते हैं। लेकिन मॉइस्चराइजर्स में ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि ये तेल जो है वो शुद्ध होने चाहिए, इनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मिलावट होती है वो त्वचा को नुकसान पहुंचाएगी। इनमें नारियल का तेल ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये चिकनाई के साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एंटीफंगल भी होता है, और इसमें विटामिन ई की भी अच्छी मात्रा होती है। अब बाहर के मॉइस्चराइजर्स की बात करें तो आप टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत सारे लुभावने एड्स देखते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा मॉइस्चराइजर चूज करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको चूज करने के लिए अपन देखें कि उस मॉइस्चराइजर में क्या पड़ा हुआ है, यानी उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि इन मॉइस्चराइजर्स में कई प्रकार के कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फ्रेग्रेंसेज होती हैं, सुगंध होती है। तो और कुछ मॉइस्चराइजर्स में कुछ प्रकार के एल्कोहल होते हैं, जैसे कि इथेनॉल होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, मेथेनॉल होते हैं। ये सब एल्कोहल वाले जो मॉइस्चराइजर होते हैं ये त्वचा को सूखा कर देंगे। शुरू में लगाने में तो बड़े अच्छे लगेंगे क्योंकि थोड़े से ठंडक देते ही है, लेकिन दूसरे प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं, बेंजोइल एल्कोहल होते हैं, एस्टराइल एल्कोहल होते हैं, सेटाइल एल्कोहल होते हैं, वो अच्छे एल्कोहल होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, वो चिकनाई देते हैं। कुछ मॉइस्चराइजर में यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है। इनका प्रयोग सिर्फ अपन वहीं पर करें जहाँ पर स्किन ड्राई है और हार्ड है, क्योंकि ये अगर दूसरी स्किन पर लगाएंगे, सॉफ्ट स्किन पर अपन लगाएंगे, तो कुछ जलन पैदा हो सकती है। और कुछ थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम जेली होती है, उनका प्रयोग हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ पे कि स्किन बहुत हार्ड है और थिक स्किन है। तो ऐसे स्किन के लिए पेट्रोलियम जेली बहुत अच्छी मॉइस्चराइजर है, लेकिन लोग इसका प्रयोग कम करते हैं क्योंकि लगाने में ग्रीजी होती है और थोड़ा मोटा होने का उनको अच्छा नहीं लगता। तो कौन से मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, उसके लिए बेस्ट ये है कि अपन उनके इंग्रेडिएंट्स देखें और ऐसा हो वो कि जिसके अंदर कम से कम केमिकल्स हो उनका प्रयोग करें, उनके अंदर फ्रेग्रेंसेस नहीं हो, उनके अंदर कलर्स नहीं हो, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो। तो ऐसा मॉइस्चराइजर अगर अपन चूज करेंगे तो अपने लिए लाभदायक होगा। तो आज की चर्चा बस यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।